ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मंगलवार कुम्हारी में हुए हादसे में 14 लोगों की जाने चली गई और कई कर्मचारी घायल है। यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या सच्चाई थी, उसे जानने का प्रयास इंडियन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बस खड़ी है, वो बस कल रात देर रात ये बस यहाँ से गिरी और जिसके आधे घंटे बाद लोग यहाँ जमा हुए और पुलिस प्रशासन पहुंची, तमाम सुविधाएं पहुंची, मगर उस वक्त तक कोई आया नहीं था। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जैसा आपने सुना कि यहाँ से धम से कुछ गिरने की आवाज आई, तो वो लोग वहां इकट्ठा हुए। ये बस केडिया डिस्टिलरीज की है, वहां से आ रही थी, लगभग रोज आती है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बस का लाइट खराब था, जिस वजह से ड्राइवर को दिखा नहीं होगा कि क्या हुआ है असल में। मगर आप देख सकते हैं बस वहां से, आप ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे गिरी बस, और जिस हिसाब से बस गिरी और उस समय कम से कम 12 लोग की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जिसने शव निकाले बाहर उसने बताया कि कम से कम 12 शव उसने खुद निकाले और बहुत सारे लोग अभी घायल है, कोई एम्स में भर्ती है, जैसे ड्राइवर एम्स में भर्ती है, कोई अपेक्स में भर्ती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हुआ। और यहाँ चूंकि अभी दिन का उजाला है तो आपको क्लियर सारी चीजें दिख रही है, मगर आप अगर ऊपर देखेंगे तो कोई भी लाइट की सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको लाइट का कोई सुविधा दिख नहीं रहा होगा, मात्र केवल ट्रांसफार्मर और उसके तार दिख रहे होंगे, बड़ी बड़ी हैवी लाइंस दिख रही होंगी, मगर यहाँ पे कोई लाइट की सुविधा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं अगर लाइट नहीं थी तो ड्राइवर ने कैसे चलाया होगा, क्योंकि उसके स्वयं की गाड़ी में भी बोलते हैं कि लाइट नहीं था, तो उसने अंदाजे में चलाया और चूंकि उसका अंदाजा गलत हुआ तो वो वहां से ऊपर से नीचे गिरा। आप देख सकते हैं वहां पे टूटे हुए जो पत्थर रहते हैं, वो पत्थर भी टूटा है और वो नीचे गिरा है। जिस हिसाब से बस एक तरफ पलट के गिरी है, आप कल्पना कर सकते हैं कितना भीषण हादसा होगा, क्योंकि इतना भारी भरकम वाहन जब ऊपर से नीचे गिरता है, कम से कम ये 50 फीट गहरी खाई है, 50 फीट गहरी, मैं आपको बता दूं। और ये जब हादसा हुआ तब यहाँ के स्थानीय लोगों को आवाज आई, उस आवाज के चलते यहाँ, चूंकि आप देख सकते हैं अभी दिन का उजाला है तो यहाँ पे वस्तु स्थिति क्लियरली सब आप देख सकते हैं, मगर जब यहाँ पे लाइट नहीं होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रात को कैसे शव को निकाला होगा। बताया जा रहा है कि फ्लैश लाइट, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च, ये सब इस्तेमाल करके निकाला गया। जी मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि थोड़ा जूम करके बस को दिखाए, चूंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे है और चूंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो यहीं से हम आपको दिखाएंगे पूरी वस्तु स्थिति, कैसे हुआ हादसा और क्या हुआ, क्योंकि हमने आपको ऊपर से भी दिखाया कि किस तरीके से, अगर आप ऊपर से देखेंगे नीचे तो कितनी बड़ी गहरी खाई है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्टर और जिले के SP वगैरह सब यहाँ मौजूद है, पुलिस अमला यहाँ मौजूद है, हालांकि अभी पुलिस और प्रशासन की टीम गई भी हुई है और केडिया गई हुई है और वहां पे कागजों को देख रहा है कि चूंकि बस के फिटनेस वगैरह और सारी चीजें, क्या बस में प्रॉब्लम थी या हादसा कैसे हुआ, चूंकि ड्राइवर अभी एडमिट है एम्स में, तो अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। कैमरामैन सनी देवांगन के साथ यशवर्धन उमा के। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।